हेलो दोस्तों, सीएससी परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है सभी सीएससी वेली भाइयों के लिए, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीएससी में एक नई सर्विस ऐड हो चुकी है, नया पोर्टल ऐड हो चुका है, जिसमें आप केवाईसी करके हज़ारों रुपये महीने का इनकम कर सकते हैं। तो इनकम आपको बढ़ाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा काम है सीएससी में आया है जिसकी सहायता से आप लोग अपनी सीएससी सेंटर की जो इनकम है वो 3 से 4 गुना तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस पोर्टल के ज़रिए सभी लोग, आपके जो आसपास के रूरल एरियाज या फिर अर्बन एरियाज़ के लोग हैं, सभी लोग इस पोर्टल के द्वारा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाना है सीएससी पोर्टल पर, यहाँ पर ईजी ये लाभार्थी पोर्टल है, यहाँ पे आपको आ जाना है। लाभार्थी पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। पहली बार अगर आप लॉगिन हो रहे हैं तो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी लैंग्वेज में आप इस पोर्टल को रन करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो लाभार्थी पोर्टल के बारे में ही है। तो सीएससी कनेक्ट से लॉगिन करेंगे, तो अगर आप पहली बार लॉगिन हो रहे हैं सीएससी से तो यहाँ पर आपकी सीएससी आईडी और यहाँ पर यस करने के लिए पूछेगा, तो आपको सिंपली ऑथराइजेशन में यस कर देना है। फिर इसके बाद आपके लैंग्वेज पूछेगा आपका कौन सा स्टेट है, ये तभी पूछेगा जब आप सीएससी से पहली बार इस पोर्टल को चालू कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है होम डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लाभार्थी पोर्टल पे ओपन हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे कनेक्ट होना जाना है। डिजिटल सेवा पोर्टल से जैसे ही कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे नाम, जो भी जिस सीएससी आईडी से नाम होगा, कितने आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन यहाँ पे न्यू करना है या फिर कमीशन को कितना अर्न किए हैं, ये सब देखने के लिए इस पोर्टल पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे कि इस पोर्टल पर सर्विसें हमको क्या मिलेंगी, क्योंकि डीएससी जो डैशबोर्ड है इस पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी सर्विसें मिलने वाली हैं। कमीशन यहाँ पे आपको शो होगा, टोटल कितने एप्लीकेशन किए हैं, टोटल कमीशन कितना अर्न हुआ है। तो हमें सिंपल न्यू सर्विस पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखिए बहुत प्रकार की सर्विस आपको देखने को मिलेंगी। स्कीम ऊपर ऑप्शन आएगा एक सर्विसेज, तो स्कीम में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP आएगा। इसके बाद शॉप कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। सर्विसेज में जाएंगे तो सर्विसेज में आपको लीगल सर्विसेज में 2 ही सर्विस अभी रन की देखने को मिलेगी। रेंट एग्रीमेंट आप यहां से बना सकते हैं किसी का भी। और इसके बाद एफिडेविट, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि एफिडेविट कैसे बनेगा, आपको कचहरी तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आप इस पोर्टल, लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से लोगों का और अपना रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP डाल के सबमिट कर देना, आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। एफिडेविट में करना है तो एफिडेविट में भी सेम काम करना पड़ेगा आपको। एफिडेविट किस टाइप का चाहिए, नाम चेंज करना है, गैप इन एजुकेशन, प्रूफ ऑफ इनकम में जानना है, डिक्लेरेशन, नो क्लेम, क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि कैटेगरी चूज कर लेना है कि किस कैटेगरी का हमको एफिडेविट चाहिए। उसी कैटेगरी से मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है, एज आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर में OTP जाएगा, OTP डाल के आपका फॉर्म खुल जाएगा। सबमिट करते ही आपका एफिडेविट सर्टिफिकेट बन करके सामने आ जाएगा। तो इसके बाद थोड़ा से और आगे चलते हैं। तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से आप रेंट एग्रीमेंट, बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा रेंट एग्रीमेंट बना दीजिए, एफिडेविट सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो आप ये सारे काम इस पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। इसके बाद सर्विसेज और स्कीम में जाके देखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में देख सकते हैं, एजुकेशन की पेंशन के प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ओल्ड एज पेंशन में क्या क्या होने डॉक्यूमेंट लगेगा, मंथली पेंशन क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। हालांकि ये सर्विस अभी फ़िलहाल में चालू नहीं है, बहुत ही जल्द ये सर्विस भी एक्टिव हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी 2-4 सर्विस ही एक्टिव हैं। तो DSC पोर्टल यानी कि लाभार्थी पोर्टल लाभार्थियों के लिए स्पेशली बनाया गया है, ग्रामीण रूरल एरिया के लोगों के लिए। तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। तो जितने भी हमारे CSC वेली भाई हैं, अगर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री या फिर आत्मनिर्भर योजना या स्ट्रीट वेंडर यानी कि स्वनिधि का लाभ लेना चाहते हैं वो भी यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे
लेकर के अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप क्राइटेरिया पार कर रहे हैं तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल और हेल्थ में यहां पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसके बाद शॉप कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन स्कीम है, आयुष्मान भारत के कार्ड यहाँ पे बना सकते हैं, यानी कि तमाम प्रकार की सेवाएं आपको इस DSC पोर्टल में देखने को मिलने वाली हैं। तो आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारी सेवाएं इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। तो जितने भी हमारे CC वीली भाई हैं, सभी लोग इस पोर्टल को एक्टिव कर लीजिए, जिससे जल्द से जल्द आपके जो भी रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो भी सर्विस आप यहाँ पर करना चाहें वो कर सकें। तो यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन पर जाके ट्रैक भी कर सकते हैं, और इसके बाद मैनेज प्रोफाइल में आप प्रोफाइल यहां पे देख सकते हैं कि किसके नाम का प्रोफाइल है। तो जितने भी हमारे CSC वीली भाई हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा।